तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जिसको कंडेम किया जाए, बिल्कुल कम है कि आप यूएपीए स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक एंटी टेरर लॉ है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लगना चाहिए, आप उसको जम्मू कश्मीर में यहाँ के जर्नलिस्ट फहाद शाह, यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज, और आप स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खेल तो खेल होता है ना, कोई भी किसी खेल में किसी टीम को सपोर्ट कर सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी हैं, मोदी जी को लेके भी, तो जब कोई भी टीम अच्छा खेल खेलती है तो हंसते हैं, खेलते हैं, ताली बजाते हैं। तो इससे नजर आता है कि मरकजी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके जम्मू कश्मीर में कितने तहफ़ुज़ात हैं, कितना उनको गैर यकीनियत लगती है जम्मू कश्मीर को लेके, कितना उनका पैरानोया है कि किसी कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को सेलिब्रेट किया, उसके लिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी के कानून लाए किए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको करना क्या है। अगर आपको खाली जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कश्मीरियों को, हमको कहीं धकेल दीजिए, चाहे दरिया में धकेलें या कहीं, जिस तरह इसराइल गाजा को बाहर धकेल रहा है लोगों को, हमें भी कहीं बाहर धकेल दो। इस तरह हमारे नौजवानों को नौकरी देने के बजाय नौकरियों से निकालते हैं, उनका करियर तबाह करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, खुदकुशी करें बेचारे क्या, या कोई और खुदा ना खासा कोई और खतरनाक रास्ता इख्तियार करें। चाहते क्या आप, चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है इतना मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए कि वो अपनी जिंदगी तबाह कर दे? तो ये बहुत गलत है। मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो खुद इसमें इंटरवीन करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग पे, दिलों पे आप काबिज नहीं हो सकते हो बंदूक के जरिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में हालात बदलना चाहते हो, यहाँ के लोगों के ख्यालात बदलना चाहते हो, तो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग प्यार से जीतने पड़ेंगे। वो बंदूक के बलबोते पे या यूएपीए लगाने से नहीं होगा, उससे तो जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग और दूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन करके इन लड़कों का जो मुस्तकबिल है उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। ये तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जिसको कंडेम किया जाए, बिल्कुल कम है कि आप यूएपीए स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक एंटी टेरर लॉ है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लगना चाहिए, आप उसको जम्मू कश्मीर में यहाँ के जर्नलिस्ट फहाद शाह, यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज, और आप स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खेल तो खेल होता है ना, कोई भी किसी खेल में किसी टीम को सपोर्ट कर सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी हैं, मोदी जी को लेके भी, तो जब कोई भी टीम अच्छा खेल खेलती है तो हंसते हैं, खेलते हैं, ताली बजाते हैं। तो इससे नजर आता है कि मरकजी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके जम्मू कश्मीर में कितने तहफ़ुज़ात हैं, कितना उनको गैर यकीनियत लगती है जम्मू कश्मीर को लेके, कितना उनका पैरानोया है कि किसी कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को सेलिब्रेट किया, उसके लिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी के कानून लाए किए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको करना क्या है। अगर आपको खाली जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कश्मीरियों को, हमको कहीं धकेल दीजिए, चाहे दरिया में धकेलें या कहीं, जिस तरह इसराइल गाजा को बाहर धकेल रहा है लोगों को, हमें भी कहीं बाहर धकेल दो। इस तरह हमारे नौजवानों को नौकरी देने के बजाय नौकरियों से निकालते हैं, उनका करियर तबाह करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, खुदकुशी करें बेचारे क्या?